please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. किसानों की पेंशन के लिए अन्ना हजारे सत्याग्रह करेंगे। किसान पेंशन बिल लागू करने की मांग को लेकर समाज सेवी अन्ना हजारे 23 मार्च से सत्याग्रह करेंगे। यूपी के गोंडा में एक महिला ने अपने पति पर खत भेजकर 3 तलाक देने का आरोप लगाया। मुंबई के कमला मिल्स हादसे को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर सीबीआई जांच और बीएमसी कमिश्नर के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। ऐसे कमिश्नर और बीएमसी के तमाम उच्च अधिकारियों के खिलाफ हत्या का भी मामला दर्ज होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मिशनरी कॉलेज में भारत माता की आरती गाने का ऐलान करने वाले विश्व सनातन संघ के राष्ट्रीय प्रचारक उपदेश राणा को विदिशा में घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने एक लड़की को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक बिल्डर और एक नेता के बेटे को गिरफ्तार किया। दिल्ली के अलीपुर में लूट के इरादे से एक ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुजरात के जामनगर में अपने बच्चों को तालाब में फेंकने के बाद खुद भी तालाब में कूदी महिला और बच्चों को दमकल विभाग ने बचा लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने समान वेतन की मांग को लेकर सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। सिग्गी भी पछताया था, भी पछताएगा, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। हरियाणा के गुरुग्राम में एक चलती कार में आग लगने के बाद कार सवार आदमी ने तुरंत बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने स्कूल जा रहे 4th क्लास के एक छात्र को अगवा कर लिया। बड़ी खबर संदीप बोल दिल्ली से दे रहे हैं। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स बेस से सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। निर्मला सीतारमण सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षा मंत्री होंगी। इससे पहले 25 नवंबर 2009 में तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पुणे में सुखोई में उड़ान भर चुकी हैं। सुखोई वायुसेना का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। हाल ही में सीतारमण ने गोवा में देश के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धपोत INS विक्रमादित्य का जायजा लिया था। इसके पीछे निर्मला सीतारमण की कोशिश सेना के अलग अलग अंगों की कार्यशैली और तैयारी को समझना है। सुखोई 30 में उड़ान भरने के बाद सीतारमण करीब 45 मिनट तक आसमान में रहेंगी। भारत ने पाकिस्तान के सामने सीज फायर उल्लंघन पर कड़ा एतराज जताया। पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में भारतीय सेना के अधिकारियों ने सख्त सीज फायर उल्लंघन और घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हरियाणा के सिरसा में प्रशासन ने राम रहीम के आश्रम डेरा सच्चा सौदा में नोटिस चिपकाकर गुरु शाह सतनाम सिंह जी के जन्म दिवस पर प्रशासन की अनुमति के बिना धार्मिक आयोजन करने पर रोक लगा दी। पंजाब सरकार ने शहर में संपत्ति खरीदने वालों को राहत देते हुए स्टैम्प ड्यूटी 9% से घटाकर 6% कर दी। टेस्ट मैच में तीसरे दिन खराब रोशनी की वजह से खेल रोके जाने के अंपायरों के फैसले पर नाराजगी जताने को लेकर ICC ने विराट कोहली पर मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हैमिल्टन में खेले गए 4th वनडे मैच में पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक रन लेने के दौरान सिर पर गेंद लगने से घायल हो गए। न्यूजीलैंड में राहुल द्रविड़ ने 4 देशों के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए पहुंची भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियन ओपन में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और स्टैन वावरिंका जीत के साथ दूसरे दौर में पहुंच गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा में बकरकट्टा के जंगलों में पुलिस ने 2 लाख के एक इनामी नक्सली को मार गिराते हुए कैंप को ध्वस्त कर दिया। राजस्थान के नागौर में पुलिस ने हेरोइन और चरस समेत करीब 2 करोड़ की कीमत के नशे के सामान के साथ एक तस्कर को पकड़ा। बिहार के सुपौल में पशुओं से भरा एक ट्रक पलटने से एक आदमी और 10 से ज्यादा पशुओं की मौत हो गई। बड़ी खबर उत्कर्ष चतुर्वेदी मथुरा से दे रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के समधी की हत्या कर फरार बदमाशों से मथुरा में पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से हुई गोलीबारी के बाद मथुरा पुलिस ने शार्प शूटर अशोक को गिरफ्तार कर लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर दूसरा बदमाश फरार हो गया। मथुरा पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार बदमाश कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के समधी की हत्या का आरोपी है। कैबिनेट मंत्री के समधी की 13 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कोतवाली छाता में दर्ज करवाई गई थी। कुछ दिन पूर्व थाना छाता क्षेत्र में गुहारी गांव के पूर्व प्रधान सरमन सिंह जी
की गोली मार के हत्या हुई थी। जो अपराधी अशोक पकड़ा गया है, जो इंजर्ड है, ये एक शार्प शूटर था। इसका पूर्व हत्या लूट डकैती का इतिहास रहा है। इसको इस पूरे कृत्य को अंजाम देने के लिए भाड़े पर हायर किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर के तौर पर।